जी हाँ जी देखिए, आज का जो हर न्यूज़पेपर की प्राथमिकता था आस्था पे आघात, निसंदेह ये जो भी कार्य हुआ है तिरुपति में वो अक्षम्य है, और मुझे लगता है और वहाँ की सरकार या यहाँ की सरकार से भी एक अपील रहती है कि जो भी सीमित है, पहले तो मुख्यतः पहले नंबर पे उनकी सीमित को भंग कर देना चाहिए, वो कितने भी वर्षों से काम कर रहे हों। और चूंकि मूल रूप से उस सीमित के सारे लोग क्रिश्चियन हैं, तो क्रिश्चियन को इन सब चीज़ों से तो कोई लेना देना होता नहीं कि आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, कि आप विधर्मी हो रहे हैं, या कुछ भी हो रहे हैं, आपके पवित्रता पे आघात है, कुछ भी उनसे मतलब नहीं होता। वो आपको कुछ भी खिला सकते हैं, कुछ, मगर इतने पवित्र स्थान साउथ का, सबसे राम मंदिर के पहले जो संख्या बल था या आर्थिक बल है वो सुपर मोस्ट था, सबसे अधिक अर्थ का अगर अर्थोपार्जन करने वाला कोई भी मंदिर है तो वो प्रथम नंबर पर है। तो ये हम लोगों के लिए, सारे हिंदुओं के लिए बहुत ही शर्मनायक बात है कि इस तरह की घटना है। मुझे लगता है यहाँ की जो सरकार है उसको भी पूरा लखनऊ एक दिन के लिए बंद करना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और हमारे हिसाब से वहाँ की जो सीमित बने वो श्रेष्ठ हिंदुओं की हो, और ये जांच हो कि वो अच्छे से धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सीमित चलाना चाहिए। वहाँ का प्रसाद टोटली आज के बाद से हमें लगता है आसपास के दुकानें, वहाँ का जो अंदर मंदिर से प्रसाद मिलता है सब बैंड कर देना चाहिए। कभी भी वहाँ की बिक्री ना हो, जो भी लोग जैसे अन्य देवी स्थानों पे है, आप पूर्णागिर जाएँ या वैष्णो देवी जाएँ, सब वहाँ का सब बैंड है, नारियल बैंड है, प्रसाद बैंड है, आप कुछ नहीं ले जा सकते हैं, ऐसे वहाँ पर भी सब बैंड कर देना चाहिए। तभी उन लोगों को इसका सबक मिलेगा, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं चला जाए, अपने घर का प्रसाद वो चेक करना है ले जाए। दूसरा तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो देखने और सारे समझने योग्य है कि जो इसमें लिप्त है, चूँकि बहुत लंबे समय से कार्य हो रहा था, तो सब लोगों को मृत्युदंड देना चाहिए। अगर ये हो सकता है तभी इस तरह की गलतियां आगे सुधारात्मक कार्य कर पाएंगी, नहीं तो कभी भी ये गलतियां माफ़ी योग्य तो हो ही नहीं सकती हैं। हमारी सरकार से अपील है, वहाँ के सरकार से अपील है कि जो लोग इसमें लिप्त थे अभी लंबे समय तक, जो तुरंत की जांच समिति थी उस उनके लोगों को भी, क्योंकि इतने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया है, ये अक्षम्य रहेगा, इसलिए उनको मृत्युदंड की हम तो मांग करते हैं। सारे संत समाज से कहते हैं आगे आए, लखनऊ बंद करें, एक दिन के लिए पूरा भारत बंद करें, अपनी बात को रखें और इसका विरोध जताएं। अच्छा, पता ये अभी चला है लेकिन न जाने कितने वर्षों से ऐसा चल रहा होगा। हाँ हाँ, जो पढ़ने और सुनने में आ रहा है वो 300 वर्षों से है, यानी कि हर व्यक्ति धर्म भ्रष्ट कर चुका होगा, इस वजह से ही मृत्युदंड की मांग करनी चाहिए। देखिए, घटनाक्रम जो है वो बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है, और ये षड्यंत्र कोई ऐसा हो रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय है। हमारे धर्म सनातन धर्म के ऊपर ये कुठाराघात है, इसलिए ये जो हुआ है चर्बी और में लड्डू में मिलाना, ऐसी घटना भी कहीं नहीं हुई थी। और मैं समझता हूँ कोई अंतर्राष्ट्रीय या षड्यंत्र है जिसके कारण से सनातन धर्म को इस तरह से दूषित किया जाए, जैसे कि वो जो लोग भी इस पर भगवान के ऊपर श्रद्धा, प्रसाद के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उनमें इस प्रकार से भावनाएं उसमें दूषित किया जाए। ये सब घटनाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय हैं, और इस पर विशेषकर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसकी पूर्णतया जांच हो, और जो अपराधी हो वो दंडनीय अपराध है ही, उसको दंड दिया जाए। ऐसा करना ही जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत हानिकारक है। यहाँ तो कुछ थूक वाला चल रहा है, कुछ औरों चल रहे हैं, तो ये सब केवल ही हमारे सनातन धर्म पर को इनको इस प्रकार से किया जाए, बदनाम किया जाए, जैसे लोगों की श्रद्धा विश्वास भगवान के ऊपर, प्रसाद के ऊपर से कम हो, घटे और उनके आवे न आवे, ये सब बातें हो रही है। इसलिए कि कितने लड्डू आए थे तो हमको नहीं, तो टेस्ट बताएगा कितने लड्डू आए हैं, कितने रहे हैं, किस प्रकार से हुआ, लेकिन जो भी आया वो भी प्रसाद बटा, वो बहुत ही जो आप पता चल रहा है वह बहुत ही दूषित रहा, और ये खतरनाक षड्यंत्र। ये लड्डू अयोध्या में किस
किस अवसर पर आया था? लॉकडाउन तो उसी आया था जो भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। कई जगह से आए थे, केवल बाला तिब्बती से नहीं, और जगह से वाले जो आया था, प्रसाद बहुत जगह से आए थे और बटे गए थे। देखिए ये जो कल हम लोग के सुनने में आया, हम लोग तो बड़ा अचंभित हो गए कि सोचिए इतना प्राचीन स्थान, भारतवर्ष में प्राचीन मंदिर है कि जहाँ की एक अलग ही गाथा है, जहाँ के लिए अलग ही, सोचिए लोगों की कितनी आस्था है, कितना आदमी वहाँ जाता है, कम से कम प्रतिदिन आप देखेंगे तो लाखों की तादाद में लोग दर्शन करते हैं। और ऐसी जगह इतना गलत कृत्य होना, ये समस्त जनमानस के लिए, समस्त भक्तगणों के लिए एक दिल को आहत करने वाला और आस्था को आहत करने वाला विषय है। और भक्तों के साथ साथ हम समस्त साधु संतों में इतना गुस्सा है कल से कि इसका विरोध अभी आप देखिएगा, अभी तो 24 घंटे नहीं हुए और देश भर में समस्त साधु संतों में जो क्रोध का माहौल है वो बढ़ता जा रहा है। और अभी ये बड़ा बड़ा के देखिएगा, सड़कों पे हम समस्त साधु संत उतरेंगे। कितना प्राचीन मंदिर है, कितनी महिलाएं जाती हैं, कितने भक्तगण जाते हैं, आप समझिए अगर 100% भक्तगण जाते हैं तो उसमें 70-75% भक्तगण तो अपने बाल तक के दान कराते हैं। मतलब आदमी वहाँ से सोचिए प्रसाद लाता था तो अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में भले ही जरा जरा सा देता था, मगर देता था कि लोगों के जो है आस्थादायी वहाँ की चीज़ जो है लोगों के मन में पहुँचे, वहाँ के प्रति आस्था बढ़े। और सोचिए उसी चीज़ में जो है बीफ, कल जब देखा जा रहा तो मुझे तो अचंभित हो रहा था कि लोग जो है अलग अलग धर्म के प्रति उठा करके जा करके वहाँ वो बातें पहुँचा देते हैं, और इतनी बड़ी जो है बात हो गई है इसको लेकर के जो हमारे धर्म के प्रति है, तो इस चीज़ का विरोध में शब्द नहीं है, इतना गुस्सा है मन में इस समय इस चीज़ को लेकर के। और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें चाहे मंदिर, वहाँ के मंदिर प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट द्वारा, चाहे वहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा, जो भी इसमें जो लोग इसमें जो है दंडित हों, जिनके ऊपर जो है ये आरोप आए कि जो लोग इसमें सम्मिलित हों, क्योंकि देखिए बिना, जहाँ तक मेरा उद्देश्य है कि बिना वहाँ मंदिर प्रशासन के मिली भगत के ये कार्य नहीं हो सकता, इतना बड़ा कार्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो कहूँगा ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जितने भी मंदिर हैं भारतवर्ष में कभी किसी की हिम्मत ना पड़े कि लोगों की आस्था से खिलवाड़, ये आस्था से नहीं, ये धर्म से खिलवाड़ हुआ है और धर्म को चैलेंज करा गया है इसमें। आप सोचिए हम लोग दूसरे धर्म के ऊपर तो बहुत जल्दी आरोप लगाते हैं, मगर यहाँ अपने धर्म को और अपने ही लोग खोखला कर रहे थे, तो इसके ऊपर सरकार सख्त सख्त कार्रवाई करे और जो भी इसमें दंडनीय लोग हों उनके ऊपर भले, मैं तो कहूँगा उम्र कैद तक की अगर सजा हो सके तो उम्र कैद तक की सजा करे कि दोबारा कभी किसी की हिम्मत ना पड़े। सर पता अभी चला है कि ऐसा उसे प्रकट चल रहा था, ना जाने कितने वर्षों से चल रहा हो। बिल्कुल, ना जाने कितने वर्षों से चल रहा हो, कितने लोग इसमें, कितने पुराने लोग सम्मिलित होंगे जो आज भी वहाँ पे जो है, आप मठाधीश कह लीजिए या वर्तमान मंदिर प्रशासन में कह लीजिए, मंदिर की ट्रस्ट में कह लीजिए, चाहे वर्तमान वहाँ जो सरकार है उसमें गद्दी पे बैठे होंगे, तो उसमें जो भी सख्त सख्त कार्रवाई हो, ये मेरा समस्त प्रदेश के एवं देश के साधु संतों की तरफ से सह निवेदन है भारत सरकार से, जो भी कठोर से कठोर कदम उठाया जाए इसमें, कि एक उद्देश्य जाना चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं, इतना प्रसाद वहाँ बटता था, अब वहाँ के साथ साथ लोग जहाँ भी बड़े तीर्थ स्थल पर जाएंगे क्या वहाँ का प्रसाद खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो ये वहाँ के देखा देखिए हर जगह इस चीज़ का जो है भुगतान भरना पड़ेगा लोगों को। क्या सर वहाँ भी प्रसाद बंद होना चाहिए कि मंदिर के? नहीं, इसकी जब तक जांच ना हो जाए तब तक बिल्कुल बंद करना चाहिए। जब तक वहाँ पर बिल्कुल जांच ना हो करके क्लीन चिट ना मिल जाए, जब तक दोषियों को सजा ना मिल जाए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। लड्डू की जगह हम कहेंगे जो सूखा मेवा हो गया, काजू हो गया, जितना आपका ड्राई फ्रूट आता है वो आप करिए, मगर अभी ये चीज़ को बिल्कुल प्रतिबंध कर देना चाहिए जब तक इसमें जो है पूर्ण रूप से वहाँ पर जाँच ना हो जाए। लखनऊ के सभी साधु संतों में काफ़ी नाराजगी है इसको लेकर, क्योंकि इनकी आस्था से बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि हम लोग कभी भी अगर ध्रुव मंदिर या कहीं भी जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो अपने गली मोहल्ले में आस पड़ोस में ही थोड़ा सा प्रसाद देते थे, एक उनकी आस्था जुड़ी होती थी कि वहाँ का प्रसाद है, वैष्णो देवी का प्रसाद है, तिरुपति बालाजी का प्रसाद है, या कोनेश्वर का प्रसाद है, या फिर अलग अलग तीर्थ स्थानों का। लेकिन आज उन सभी पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्या ये प्रसाद शुद्ध है? सभी साधु संतों में नाराजगी है। मैं अमर उजाला से कुलदीप सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।